नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स का लेक्चर नंबर 18। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज को दबाने के लिए, किसी भी चीज को कॉम्पैक्ट करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, उसी को हम लोग कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट बोलते हैं। अब हम लोग कोई भी मटेरियल को कॉम्पैक्ट क्यों करते हैं, कॉम्पैक्ट करने का रीजन क्या है, इसका कोई बेनिफिट तो होगा तभी ना हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी मटेरियल को कॉम्पैक्ट करने से हमें तीन फायदे होते हैं। पहला फायदा कि हमारा जो वॉइड रेशियो होता है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, जिसमें हमारा हवा या फिर पानी घुस जाता था ना वॉइड्स में, वो काफ़ी गुना डिक्रीज हो जाता है कॉम्पैक्शन करने की वजह से। दूसरा कि हमारा मटेरियल का वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है कॉम्पैक्शन की वजह से। और तीसरा कि हमारा मटेरियल का जो स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी गुना बढ़ जाता है कॉम्पैक्शन करने की वजह से। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं कॉम्पैक्शन करने के। इस तरह से हम लोग जो है कॉम्पैक्शन करके रोड और अर्दन डैम्स वगैरह बनाते हैं। आपने जो है रोड बनते हुए तो कभी देखा ही होगा। रोड कैसे बनाए जाते हैं? जब भी हमारा जो है रोड को बनाया जाता है तो आपने देखा होगा कि एक रोड रोलर ऊपर से चलता है और सभी कंक्रीट को या फिर कह सकते हैं जो भी हमारे सबग्रेड्स थे उनको जो है दबा करके अच्छे से जो है कॉम्पैक्ट करता है, एक प्लेन स्मूथ सरफेस बना देता है। रोड रोलर कैसे करता है आप लोगों ने तो देखा ही होगा, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही होता है हमारा कॉम्पैक्शन, जिसमें कि हम लोग कोई भी मटेरियल को कॉम्पैक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड एंड ड्यूरेबल होता है, साथ ही साथ उसका स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो हमारा कॉम्पैक्शन प्रोसेस है ना, इसमें हम लोग चार तरीके के ऑपरेशंस को अपनाते हैं कॉम्पैक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए देखते हैं ये चार तरीके क्या क्या है। तो पहला है हमारा रोलिंग, दूसरा है हमारा वाइब्रेशन, तीसरा है हमारा नीडिंग एंड चौथा है हमारा रैमिंग। तो इन सभी को हम लोग डिटेल में आगे जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में कौन कौन से कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट है रोड रोलर्स एंड दूसरा है हमारा रैमर्स। तो चलिए इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो हमने जस्ट कुछ मिनट पहले ही कॉम्पैक्टिंग ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमारा रोलिंग था, वाइब्रेशन था, फिर हमारा नीडिंग था, रैमिंग था। तो ये सभी जो है ना, इनमें से जो हमारा तीन है, रोलिंग, वाइब्रेशन एंड नीडिंग, ये तीनों के तीनों ऑपरेशंस जो है हमारे रोड रोलर के थ्रू ही हो जाते हैं। और जो हमारा रैमिंग होता है इनको हम लोग रैमर्स के थ्रू करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि रोड रोलर में हम लोग किस तरह से हम लोग जो है ये सभी ऑपरेशंस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो रोड रोलर्स होते हैं वो बेसिकली सिक्स टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्मूथ व्हील रोलर, फिर आता है हमारा स्लिप फुट रोलर, उसके बाद आता है प्यूनोमेटिक टायर रोलर, फिर आता है हमारा वाइब्रेटरी रोलर, फिर आता है हमारा मैनुअल प्रोपेल्ड रोलर एंड लास्ट में आता है हमारा सेल्फ प्रोपेल्ड रोलर। तो ये थे रोलर के टाइप्स। तो चलिए इन सभी टाइप्स को थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा स्मूथ व्हील रोलर, जिसको हम लोग फ्लैट व्हील रोलर्स भी बोलते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें जो हमारा रोलर्स होता है ना, उसका जो ड्रम होता है, चाहे वो एक हो, दो हो या तीन हो, तीनों के तीनों या फिर दोनों के दोनों या फिर सिर्फ सिंगल ही क्यों ना हो, वो जो है स्मूथ होता है। कोई भी उसमें नुकीली चीज़ें वगैरह नहीं होती है, कोई डिज़ाइन वजाइन नहीं होता है, एकदम स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होता है ड्रम का। तो वही होता है हमारा स्मूथ व्हील रोलर। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि रोड रोलर्स जो होते हैं वो फंक्शन कैसे करते हैं। तो आप जो इस रोड रोलर का ड्रम देख रहे हैं ना, जो यहाँ पर टायर की तरह है, वो एक मेटालिक ड्रम होता है जो कि काफ़ी भारी होता है। टन्स ऑफ वेट में इसका वजन होता है। और इतना भारी रोड रोलर जब रोड में चलता है तो अच्छी तरह से जो है रोड के सबग्रेड्स को, रोड के पेमेंट को कॉम्पैक्ट कर देता है। तो ये होता है हमारा रोड रोलर और इन दैट केस स्मूथ व्हील रोलर। तो अब ये हमारा जो स्मूथ व्हील रोलर होता है ना, इसको जनरली हम लोग रोड्स को बनाने में यूज़ करते हैं और जो हमारे अर्दन डैम्स होते हैं उनको भी बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। पता है रोड रोलर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? हम लोग जब भी कभी रोड रोलर खरीदते हैं, परचेज करते हैं ना, तो उसको हम लोग साइजेस में परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग शर्ट्स वगैरह अपने लिए खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो उसका अपना साइजेस होता है ना, साइज़ होता है, वैसा ही रोड रोलर का भी अपना अपना साइज़ होता है। लेकिन इसका साइज़ हम लोग लेंथ से नहीं नापते हैं, इसका साइज़ नापा जाता है इसके वज़न से। जी हाँ दोस्तों, रोड रोलर्स को जो है उसके वेट से, उसके वज़न से नापा जाता है। तो हमारे जो रोड रोलर्स होते हैं ना, वो 3 टन से लेकर के 20 मेट्रिक टन तक का हो सकता है। और यही जनरली जो है आज के टाइम पे हमारा रोड रोलर का साइज़ है। तो यार, फ्यूचर में जब भी इंजीनियर बन जाओ और रोड रोलर परचेज करने के लिए जाओ, तो साथ में एक तराजू लेकर के जाना,
ताकि वजन का अच्छी तरह से नापी कर सको। तो एक्चुअली तराजू से शायद नापी नहीं कर पाओगे, टन्स में वजन होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्मूथ व्हील्ड रोलर्स, या फिर कह सकते हैं फ्लैट व्हील्ड रोलर्स। तो जो हमारे फ्लैट व्हील्ड रोलर्स होते हैं, इसका तो पहला एडवांटेजेस ये है कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं WBM रोड्स बनाने में, यानी कि वाटर बॉर्न मैकाडम रोड्स को बनाने में। फिर हमारा इसको हम लोग यूज़ करते हैं अर्दन डैम्स को बनाने में। फिर इसको जो है कॉम्पैक्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, थिक लेयर्स को, सॉइल के थिक लेयर को कॉम्पैक्ट करके हम लोग जो है उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं। फिर जो है ये सॉफ्ट सॉइल को अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट कर सकता है और उसे हार्ड बना सकता है, उसको जो है पूरी तरह से स्ट्रेंथ अच्छा दे सकता है। इसको हम लोग सॉफ्ट सॉइल में भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो हमारे प्यूनोमेटिक रोलर भाई साहब है ना, वो सॉफ्ट सॉइल को देख करके सॉफ्ट हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं और सॉफ्ट सॉइल में अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाते हैं, नर्वस या जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे फ्लैट व्हील रोलर्स के कुछ एडवांटेजेस। तो चलिए अब हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो जो हमारे फ्लैट व्हील रोलर्स है ना दोस्तों, ये काफ़ी पुराना मॉडल है, अंग्रेज़ों के ज़माने से चलते आ रहा है और आज भी हम लोग जो है इसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है काफ़ी पुराना मॉडल है और आज के टाइम पे जो है रोड रोलर्स के काफ़ी सारे अपग्रेड्स आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल सबसे लेटेस्ट है वाइब्रेटरी रोलर्स, तो वो जो है काफ़ी बेटर है ये फ्लैट व्हील रोलर्स के मुकाबले। तो ये थोड़ा सा हमारा जो है इसका डिसएडवांटेजेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसका जो है थोड़ा सा लैक हो जाता है इसमें, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेजेस है ना वो भी इसका पुराना होने की वजह से ही है। फ्लैट व्हील रोलर्स जो होते हैं ना वो काफ़ी स्लो होते हैं, कछुए जैसे चाल होती है इनकी। किसने किसने धमाल पिक्चर देखा है, ये सीन तो याद होगा ही। क्या लगता है आपको, अभी मानव अगर फ्लैट व्हील रोलर पर ही चढ़ के अगर गोवा जा रहे होते तो उनको कितना टाइम लगता, कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो चलिए देखते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस इसके। तो हमारे जो फ्लैट व्हील रोलर्स होते हैं ना, ये स्टीप ग्रेडियंट्स एंड कर्व रोड्स पे अच्छी तरह से वर्क नहीं करते हैं। कर्व वाले रोड को हम लोगों को बनाने में प्रॉब्लम्स आती है फ्लैट व्हील रोलर्स के थ्रू। फिर हमारा जो फ्लैट व्हील रोलर्स है, ये काफ़ी जो है हमारे एग्रीगेट्स को क्रश कर देते हैं, ये अच्छी तरह से एग्रीगेट्स को कॉम्पैक्ट नहीं करते हैं बल्कि उनको क्रश कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और जो हमारे फ्लैट व्हील रोलर्स होते हैं, ये जो है कोहेसिव सॉइल में अच्छी तरह से वर्क नहीं करते हैं। कोहेसिव सॉइल यानी कि लूज सॉइल होता है ना, जहाँ पर हमारा सॉइल थोड़ा सा लूज होता है वहाँ पर सॉइल को ये अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट नहीं कर पाता है। तो यही होता है हमारा कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लैट व्हील रोलर्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आता है शीप फुट रोलर। तो शीप फुट रोलर देखने में कुछ इस तरह टाइप का होता है, इसमें हमारा जो रोलर का ड्रम होता है ना, इसमें कुछ फूट्स निकले हुए होते हैं, नुकीले टाइप के फूट्स होते हैं जो कि बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, और ये जो है हमारे मिट्टी को कॉम्पैक्ट करने में थोड़ा और ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ यूजेस को। तो जो हमारा शीप फुट रोलर्स होता है ना, इसको हम लोग जनरली अर्थ एम्बैंकमेंट्स में यूज़ करते हैं, अर्थन डैम्स को बनाने में यूज़ करते हैं। अर्थ को जो है हम लोग कॉम्पैक्ट करने में शीप फुट रोलर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अर्थ को जो है काफ़ी अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट कर सकता है। अर्थ के कॉम्पैक्शन में काफ़ी अच्छा हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल जाता है जब हम लोग शीप फुट रोलर्स का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा शीप फुट रोलर। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप में आते हैं, जो कि हमारा प्यूनोमेटिक टायर रोलर। तो प्यूनोमेटिक टायर रोलर क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा प्यूनोमेटिक टायर रोलर है, वो देखने में कुछ इस तरह टाइप का होता है। इसमें हमारा कोई भी मेटल ड्रम नहीं लगा हुआ होता है, बल्कि हमारा जो रोलर्स होता है वो टायर्स के ही बने हुए होते हैं, जिनको हम लोग प्यूनोमेटिक टायर्स बोलते हैं। यहाँ पर हमारे कई सारे मल्टी टायर्स होते हैं जो कि कॉम्पैक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्यूनोमेटिक टायर रोलर के कुछ यूजेस को देख लेते हैं। तो इनको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं कोल्ड लेड बिटमिन जो पेमेंट्स में लगाए जाते हैं उनको कॉम्पैक्ट करने के लिए। फिर हमारा जो सॉफ्ट बेसिस या फिर कह सकते हैं सॉफ्ट सॉइल वगैरह होता है, उनको भी हम लोग कॉम्पैक्ट करने में इनका यूज़ करते हैं। इनको इनसे हम लोग ज़्यादा कुछ हार्ड कॉम्पैक्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये उतने ज़्यादा भारी नहीं होते हैं जैसा कि हमारा शीप फुट रोलर और फ्लैट व्हील रोलर है, वैसा ये भारी नहीं होता, इसलिए ज़्यादा हमारा कॉम्पैक्शन हो नहीं पाता है। पर ये जो है कॉम्पैक्शन ठीक ठाक ही कर लेता है, हमें इसमें ज़्यादा कॉम्पैक्शन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फिर हमारा जो प्यूनोमेटिक टायर रोलर्स होता है, उनको हम लोग एज अ सेकेंड पार्टी रोलर भी यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा शीप फुट रोलर के बारे में, शीप फुट रोलर जब भी यूज़ होता है तो उसमें जो है शीप फुट्स होने के कारण जो फुट्स नुकीले नुकीले निकले हुए होते हैं ना, उनके कारण हमारा जो मिट्टी होता है वो पूरी तरह से प्लेन नहीं हो पाता है। कॉम्पैक्ट तो हो जाता है लेकिन कुछ गड्ढे गड्ढे रह जाते हैं शिप्स के कारण, हमारा जो है कहीं कहीं गड्ढा रह जाता है, वो पूरी तरह से प्लेन नहीं हो पाता है। तो उसको प्लेन करने के लिए हम लोग जो है प्यूनोमेटिक टायर रोलर को उसके ऊपर से एक और बार चला देते हैं, जिसके कारण हमारा पूरा कॉम्पैक्शन भी हो जाता है और स्मूथली पूरा प्लेन भी हो जाता है हमारा सरफेस।
तो ये था हमारा प्यूनोमेटिक टायर रोलर का कुछ यूजेस। तो चलिए अब हम लोग प्यूनोमेटिक टायर रोलर के कुछ एडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो हमारा जो प्यूनोमेटिक टायर रोलर होता है, इसका मेन एडवांटेजेस तो ये है कि ये काफ़ी स्पीड होता है, हम लोग इसको तेज़ी से चला सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसमें टायर्स लगे हुए हुए हैं, कोई मेटल का हमारा जो है ड्रम नहीं लगा हुआ होता है जो हड़बड़ हड़बड़ करते रहेगा। तो ये जो है काफ़ी स्पीड होता है, काफ़ी फास्ट होता है इन कंपेयर टू फ्लैट व्हील रोलर्स के। और जो हमारा प्यूनोमेटिक टायर रोलर्स होता है, ये हमारे एग्रीगेट्स को भी कोई डैमेजेस नहीं करता है। जैसा कि हमारा फ्लैट व्हील रोलर्स में एग्रीगेट्स पूरी तरह से क्रश हो जाते थे ना, वैसा यहाँ पर नहीं होता है। और हमारा जो प्यूनोमेटिक टायर रोलर होता है, ये हमारे एग्रीगेट्स के बीच जो है अच्छी तरह से बॉन्ड बनाते हैं। एग्रीगेट्स एंड बिटुमिनस रोड जब होता है तो वहाँ पर हम लोग प्यूनोमेटिक टायर्स के थ्रू जब कॉम्पैक्शन करते हैं तो अच्छी तरीके से बॉन्ड बना देता है एग्रीगेट्स एंड बिटुमिनस के बीच। और इनको हम लोग शीप ग्रेडियंट्स एंड शार्प कर्व्स में भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जबकि हमारे फ्लैट व्हील रोलर्स को शीप ग्रेडियंट्स एंड शार्प कर्व्स में यूज़ नहीं कर पाते थे हम लोग। तो यार इसके लिए तो थम्स अप होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ रोलर में, जो कि है हमारा वाइब्रेटरी रोलर। तो वाइब्रेटरी रोलर एक्चुअली में फ्लैट फुटेड रोलर की तरह ही दिखने वाला रोलर होता है, लेकिन इसमें फ़र्क बस इतना होता है कि इसमें हम लोग वाइब्रेशन के थ्रू कॉम्पैक्शन करते हैं। इसमें हमारा डायरेक्ट लोड या फिर डायरेक्ट प्रेशर के थ्रू कॉम्पैक्शन नहीं किया जाता, बल्कि इसमें हम लोग जो है वाइब्रेशन के हेल्प से कॉम्पैक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये जो है फ्लैट फुटेड रोलर के मुकाबले काफ़ी हल्के भी होते हैं। जो हमारे वाइब्रेटरी रोलर होते हैं, ये लगभग में हमारा जो है 4 to 6 मेट्रिक टन्स के बीच में आते हैं, और ये जनरली सिंगल या फिर डबल ड्रम्स वाले ही होते हैं जिनका की विड्थ होता है 120 से लेकर के 150 सेंटीमीटर्स तक का। तो चलिए अब हम लोग वाइब्रेटरी रोलर्स के कुछ यूजेस को देख लेते हैं। तो जो हमने फ्लैट फुटेड रोलर्स में यूजेस देखे थे ना, वही हम लोग का यहाँ पर भी सेम वही काम हम लोग कर सकते हैं वाइब्रेटरी रोलर्स के थ्रू भी, लेकिन इसमें हमारा कुछ एडवांस है तो कुछ एडवांस भी तो होना चाहिए। तो इसमें जो है हमारा ग्रैनुलर बेस कोर्स को भी हम लोग कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, और अल्फैटिक कॉन्क्रीट वर्क में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा वाइब्रेटरी रोलर्स का कुछ यूजेस। तो चलिए अब हम लोगों ने तो देख लिया रोलर्स के टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर ड्रम्स, उसके ड्रम्स या फिर कह सकते हैं उनके रोलर्स के चक्कों के हिसाब से हमने जो है उनका टाइप्स देखा। लेकिन रोलर में इंजन भी तो होता है, तो हमारे इंजन के बेसिस पर भी रोलर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा स्टीम ड्राइव एंड रोलर्स, दूसरा है हमारा डीजल ड्राइव एंड रोलर्स। तो जो हमारे स्टीम ड्राइव एंड रोलर्स है वो काफ़ी पुराने टाइप के मॉडल है, और ये जो है स्टीम इंजन के थ्रू चलते थे। और हमारे जो डीजल ड्राइव एंड रोलर्स है, ये नए मॉडल है और ये डीजल के थ्रू चलते हैं। तो स्टीम ड्राइव एंड रोलर्स काफ़ी स्लो होते हैं और डीजल ड्राइव एंड रोलर्स थोड़े फास्ट होते हैं स्टीम ड्राइव एंड रोलर्स के मुकाबले। हाँ, पुराने वाले से नए वाले का स्पीड तो होगा ही, लेकिन इतना भी स्पीड नहीं है कि इनको हम लोग Formula 1 से कंपेयर करने जाएँ। ओके, तो चलिए यही था हमारा रोलर्स। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट में, जो कि हमारा रैमर्स। तो रैमर्स क्या होते हैं चलिए देखते हैं। तो रैमर्स जो है वो एक तरह के कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कि मिट्टी को या फिर कोई भी मटेरियल को थपथपाते हुए गूंधते हुए जो है उसे कॉम्पैक्ट करता है। इनको हम लोग छोटे छोटे प्लेसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा रोड रोलर जो है घुस नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, घर के अंदर हो गया, कोई बिल्डिंग में हो गया, कोई फाउंडेशन को बनाने में हो गया, तो वो सभी जगह में जो है हम लोग रैमर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो हम लोग रोलर्स को घुसेड़ नहीं सकते ना, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर रैमर्स यूज़ करते हैं। तो रैमर्स आप देख सकते हैं किस तरह के होते हैं, इस तरह से जो है हम लोग का यहाँ पर इंजीनियर बाबू जैसे यहाँ पर थप 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 कर रहा है, और यहाँ पर हमारा जो है कॉम्पैक्शन हो रहा है। तो यही थे यार हमारे कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स। तो आई होप आपको कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए।